गाइस मेरा नाम रवीश है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 49% कंपनियां जो हैं दुबई में अपने सैलरी को हाइक करने वाली हैं, मतलब सैलरी बढ़ाने वाली हैं, और ये तकरीबन नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट को देखने के लिए। दोस्तों, तो लेबर लॉ में, मतलब दुबई का जो लेबर लॉ है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो 49% कंपनियां हैं, जो दुबई में ऑलमोस्ट 50% आप मान के चले जो कंपनियां हैं, वो आपको 3% से लेकर के 9% तक सैलरी हाइक करने वाली है। कुछ कंपनियों में आपको देखा जाएगा कि 5% जो भी आपका सैलरी है उसका 5% सैलरी हाइक उन्होंने किया है दिसंबर तक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो मैक्सिमम सारी कंपनियां अपनी सैलरी को हाइक करेंगी, या तो कुछ कंपनियां जो है 9% तक भी सैलरी हाइक करेंगी। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मैक्सिमम जो भी आपका पिछले 2 साल कोविड के सिचुएशन में जो 2 साल उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लेबर जो है कंट्री छोड़ के चले गए थे, बहुत सारे वर्कर जो है यहां से काम करने के लिए जो आते हैं वो लोग यहां से चले गए थे, तो उनके पास वर्कर कम था। लेकिन अभी राइट नाउ जो है बैक टू वर्क, मतलब पहले की तरह काम पहले की जैसे अभी फुल मतलब स्पीड से हो रहा है। बहुत सारे वर्कर्स अभी आ रहे हैं, इधर विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, कंपनियों में काम है अभी। और इसी वजह से जो है कंपनियों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो है सैलरी हाइक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पिछले कई सालों से बहुत नुकसान हो गया है। और सैलरी हाइक क्योंकि अभी जिस हिसाब से दुबई में अभी बढ़ गया है सारे चीजों का प्राइस, खाने पीने का, डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, उस हिसाब से सैलरी हाइक जो है बहुत जरूरी भी है। अगर वो सैलरी हाइक होता है तो क्या वो मेंटेन हो जाएगा? क्योंकि सैलरी तो एज इट इज मिल रहा है, और महंगाई बढ़ जाने की वजह से महीने का जो खर्चा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस होने लग गया है, 100 दिरहम या 200 दिरहम जो भी है। तो सैलरी में अगर हाइक होता है थोड़ा सा, तो वो कहीं ना कहीं एक लेबर के लिए, मतलब जो यहाँ पे आए हुए हैं काम करने के लिए, वो चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, मतलब सबके लिए एक राहत का बात हो जाएगा। तो मतलब इसीलिए मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था कि ये जो है यूएई के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से जो है न्यूज आया था कि 49% कंपनियां जो है 3% से लेकर के 9% तक अपना सैलरी हाइक करेंगी। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। महंगाई की बात की जाए तो महंगाई वाकई बढ़ा है दुबई में। अगर खाने पीने का आइटम हो या डीजल पेट्रोल हो तो ऑब्वियस सी बात है पहले की अपेक्षा थोड़ा महंगा हो गया है। तो अगर सैलरी इंक्रीज होता है तो उससे थोड़ा राहत मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये 5-9% जो है जेन्युइन है, इतना तो बढ़ना ही चाहिए वैसे भी। तो एक तरीके से हम लोग के लिए गुड न्यूज ही है, जो आम यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं अपने देश से या अपने इंडिया पाकिस्तान से, जो भाई लोग इधर काम करने के लिए आए उनके लिए अच्छा है, ये प्लस पॉइंट है। और ये न्यूज जो मैं आया हुआ था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा एक वीडियो बना करके अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि अपडेट करना मेरा काम है। मैं जो लोगों को जो है जानकारी देना चाहता हूँ, राइट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर करें। नीचे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोज भी देख पाएंगे।